हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल SDHR में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गूगल ड्राइव में फोटो सेव कैसे करते हैं और दोस्तों गूगल ड्राइव में फोटो सेव करने के बाद उसे वापस गैलरी में कैसे लेके आते हैं। दोस्तों, गूगल ड्राइव का स्पेस कितना होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों इसके गूगल में फोटो सेव करने के और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, वो भी आज सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, गूगल में जब हम फोटो सेव करते हैं, गूगल ड्राइव में फोटो सेव करते हैं, तो जब भी आप मोबाइल को रिस्टोर करते हो तो फोटो डिलीट्स नहीं होते, इसमें आप फोटो को संभाल कर रख सकते हो। जब भी आप कोई नया मोबाइल लेते हो, उसमें आप अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करते हो तो अपने आप जो आपके फोटोज होते हैं जो गूगल ड्राइव में सेव होते हैं उन्हें आप वापस ला सकते हो। तो दोस्तों, यही आपका इसमें बेनिफिट होता है। और दोस्तों, गूगल ड्राइव में आप फोटोज के साथ साथ वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, एप्स, ये भी सारी बहुत सारी चीज़ें उसमें सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, यही सारी आज चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर आ जाना है। मेन स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव को ओपन करना है। यहाँ पर गूगल ड्राइव का आइकन बना हुआ आ रहा है, इसे ओपन कर लीजिए। गूगल ड्राइव में जाने के बाद सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आता है। इसे आपको सबसे पहले लॉगिन करना है अपनी जीमेल आईडी से। तो इसे आप सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है। उसके बाद दोस्तों, इसके लेफ्ट में सबसे ऊपर तीन लाइनें नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है, ट्रांसफ़र फाइल्स ओनली अवर वाईफाई। अगर आप वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं तो इसे ऑन रहने दें और अगर मोबाइल डाटा का यूज़ कर रहे हैं तो इसे ऑफ़ कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप इसमें फ़ोटो सेव करते हो तो इसमें डाटा लगता है, इंटरनेट लगता है। तो अगर आप वाईफाई से कर रहे हैं तो इसे ऑन रखें और मोबाइल डाटा का यूज़ कर रहे हैं तो इसे ऑफ़ कर लें। तो मैं इसे अभी ऑफ़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी मोबाइल डाटा का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि गूगल ड्राइव में हमें स्पेस कितना मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर ही हमें स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, इसे हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है, अपग्रेड स्टोरेज पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये हमें स्टोरेज की फुल्ली जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमें गूगल ड्राइव में 15 GB तक फ्री मिलता है, फ्री स्पेस मिलता है, यानी कि हम 15 GB तक कुछ भी फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़ सब कुछ इसमें सेव कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है 15 GB। उसके बाद अगर चाहते हैं आप कि 15 GB से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसे 100 GB किया जाए, तो इस पर ₹130 महीने का चार्ज लगता है इसे अपग्रेड करने पर। और दोस्तों, इससे ज़्यादा 200 GB भी बढ़ाया जा सकता है, ₹210 प्रति महीना लगेगा, ऐसे इसमें पेमेंट हमें करना पड़ती है। तो दोस्तों, आपके लिए फ्री ऑप्शन यही रहता है कि आप इसे 15 GB तक फ्री यूज़ कर सकते हो। तो इस ये तो हो गया इसका स्टोरेज, अब 15 GB तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाहर आ जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 15 GB जो मिला है उसमें हम फोटो, वीडियो और ये कैसे ऐड करें। तो यहाँ पर सिंपल सा है, प्लस का आइकन बना हुआ आ रहा है, प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, अपलोड का ऑप्शन मिलता है, स्कैन का ऑप्शन मिलता है। फोल्डर पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर एक नया फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर के अंदर आप फोटो सेव कर सकते हो। अपलोड में आप डायरेक्ट अपनी गैलरी में, अपने फाइल्स में चले जाओगे, जहाँ से आप जो भी आपको सेव करना है वो चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन मिलता है, स्कैन में आप हैंड टू हैंड लाइव फ़ोटो खींचोगे, वही उसको सेव कर सकते हो। तो हम जाते हैं सबसे पहले अपलोड पर क्लिक करते हैं। अपलोड में जाने के बाद जैसे मुझे ये वाला एक फ़ोटो है, इसे अपलोड करना है, इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है, किस में हो रहा है, गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है। ठीक है, गूगल ड्राइव में ये फ़ोटो सेव हो चुका है, इसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ऑडियो भी ऐड कर दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर तीन लाइन मिलती है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहीं से आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको किस चीज़ को सेव करना है। यहाँ पर इमेज का ऑप्शन मिलता है, वीडियो का ऑप्शन मिलता है, ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। आप इसी टाइप से सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो मैंने अभी सिंपल सा आपको एक फ़ोटो ऐड करके दिखाया है, एक फ़ोटो और मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। इमेज पर क्लिक करना है, जिसमें भी आपका फ़ोटो है उसे ओपन कर लीजिए। जैसे कि
मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स में जाता हूँ वापिस। यहाँ पर एक पबजी का फोटो है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जब हम फोटो सेव कर लेते हैं तो ये हमारे फोटो सारे सुरक्षित रहते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दो इमेजेस सेव कर ली है, अब चाहे तो आप बाहर निकल सकते हैं। बाहर आने के बाद आप अपनी जो गैलरी होती है, गैलरी में जाने के बाद आप यहाँ पर जो फोटोज मैंने सेव किए हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये वाला फोटो था इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और दूसरा जो फोटो था ये पबजी वाला था। तो इन दोनों को मैं आपको डिलीट कर देता हूँ, अभी डिलीट करके दिखाता हूँ। तो ये दोनों यहाँ से गैलरी में से डिलीट हो चुके हैं। अब ये फोटो तो आपको पता ही है कि मैंने गूगल ड्राइव में पहले ही सेव कर दिए हैं। तो अब ये फोटो आपकी गैलरी में नहीं है, लेकिन आपके गूगल ड्राइव में है। जब भी आप अपनी गूगल गूगल ड्राइव की जो आईडी होती है, जीमेल आईडी, उसे आप किसी भी मोबाइल में आप डालते हो, तो आप गूगल ड्राइव से अपने फोटो को बैकअप ले सकते हो, आप अपने फोटो को मंगवा सकते हो, तो उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि अभी मैंने गैलरी से दो फोटो डिलीट कर दिए जो कि मेरे इसमें गूगल ड्राइव में सेव है, तो इसे वापस गैलरी में कैसे ले जाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सा आपको जैसे दो फोटो दिख रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पर थ्री डॉट नज़र आ रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पर जाने के बाद यहाँ पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि वो डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड हो चुका है। और इसे भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, इसे भी मैंने डाउनलोड पर रख दिया है, ये भी डाउनलोड हो रहा है। अब ये दोस्तों मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, तो ये सीधे हमारी गैलरी में जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि गूगल ड्राइव से इनको डिलीट करना है, तो यहाँ पर थ्री डॉट पर आपको वापस क्लिक करना है, और यहाँ से आप रिमूव भी इसे कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसे गैलरी में दिखा देता हूँ, गैलरी में आए कि नहीं आए। तो रिसेंट में चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर दो फोटोज़ आ चुके हैं जो हमने गूगल ड्राइव में सेव किए थे, वापस गैलरी में मैं लेके आया हूँ। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि गूगल ड्राइव आपके लिए सेफ है। अब चाहते हैं कि आप गूगल ड्राइव पे लॉक लगाना चाहते हैं, लॉक भी लगा सकते हैं। तो लॉक लगाने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, ऐप्स में जाने के बाद आपको ऐप लॉक में जाना है। ऐप लॉक में जाने के बाद आपको यहाँ पर सारी ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, आप जिस पर लॉक लगाना चाहते हैं उसे ऑन कर लीजिए। तो ये आ गया गूगल ड्राइव का ऑप्शन, ड्राइव लिखा हुआ आ रहा है, इसे मैं ऑन कर लेता हूँ, यानी कि लॉक लग चुका है। वापस मैं ओपन करता हूँ गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव को ओपन करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर लॉक लगा हुआ आ रहा है, यानी कि आपके गूगल ड्राइव को कोई ओपन नहीं कर सकता है, और आपको इसे फिंगरप्रिंट से आप इसे खोल पाएंगे फिंगरप्रिंट का यूज़ करके। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी सारी चीज़ों को सेफ रख सकते हैं सभी से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।